हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको 2% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 464.40 पैसे पर फ़िलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, गिरावट दिखाई थी। आपको याद होगा कि 440 के लेवल को हमने तगड़े सपोर्ट के तौर पर इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर हमको रिकवरी दिखाई और इस रिकवरी के साथ अब स्टॉक रिजेक्शन कहाँ फेस कर रहा है तो 470 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। यहाँ तक के टारगेट इस बाउंस बैक के साथ कोल इंडिया ने हमको दिखाए हैं। अब कोल इंडिया रिजेक्शन ले रहा है तो इस वक्त स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है 464 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। ब्रेक डाउन कर जाता है तो अगला सपोर्ट का काम करेगा 460 का लेवल और तगड़ा और इम्पोर्टेंट रहेगा सपोर्ट 1440 का लेवल। स्टॉक हमको बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न भी हमको हायर हाई ही देखने के लिए मिल रहा है। जंप पर स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। गिरावट आए स्टॉक बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बाउंस बैक के साथ इमीडिएट जो टारगेट बनेगा 470 और इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 480 का लेवल। लेकिन 480 का लेवल इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है। इससे पहले हमने इसी लेवल से गिरावट देखी है तो 480 के आसपास हमको अवेयर रहना है। लाइक 474 और 480 इसके बिटवीन हमको फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा क्योंकि 480 इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल से रिजेक्शन ले जाता है तो फिर हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम हमने यहाँ से रिजेक्शन देखा है। लेकिन स्टॉक को ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन हो जाता है 480 के लेवल को तो फिर क्लियर कट कोल इंडिया यहाँ से और अप ट्रेंड दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 480 और 500 तक के भी टारगेट कोल इंडिया में हमको फिर शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।